क्या हिंदी निकलेगा बाबू? मेरा नामांकन बीबीसी पब्लिक स्कूल में नहीं हो सका। क्या कह रहे कि माई एडमिशन माइट नॉट बी टेकन, मेरा एडमिशन नहीं हो सका, कह रहे कि इन बीबीसी पब्लिक स्कूल, बीबीसी पब्लिक स्कूल में, चूंकि टेक एडमिशन मतलब होता है नामांकन कराना, एडमिशन लेना। तीसरा सेंटेंस देखिए बाबू, जैसे अगर आपको कहना हो कि उसकी बेइज्जती नहीं हो सकी तो क्या कहेंगे? पुरुष को कह रहे हैं तो ही कहिए, स्त्री को कह रहे हैं तो सी कहिए। माइट नॉट बी इंसल्टेड, इसी का मतलब होता है कि उसकी बेइज्जती नहीं हो सकी, क्या जी कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तब क्या कहेंगे बाबू? आपको हिंदी लिखते जाना है बाबू, अगर चाहते हैं कि भविष्य में कोई कन्फ्यूजन न रहे। ओके, अगर लर्नर है, फ्रेशर है, तो हिंदी लिखते जाइए, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तो क्या कहेंगे बाबू? पुरुष को कह रहे हैं तो ही कहिए, स्त्री को कह रहे हैं तो सी कहिए। माइट तो लगेगा ही बाबू, चूंकि संभावना वाली बात है। माइट नॉट बी अरेस्टेड, सेंटेंस क्या हो गया बाबू? ही माइट नॉट बी अरेस्टेड, मतलब उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, वह गिरफ्तार नहीं हो सका। किसी स्त्री को कह रहे हैं तो सी लगा दिए, सी माइट नॉट बी अरेस्टेड, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अगर किसी का नाम रखना चाहते हैं बस, तो यहाँ नाम चेंज कर दीजिए बस, जैसे मिस्टर लालू, मिस्टर लालू माइट नॉट बी अरेस्टेड, मतलब लालू यादव की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। यहाँ पर मिस्टर मोदी कर दीजिए, मिस्टर योगी कर दीजिए, मिस्टर ओवैसी कर दीजिए, मिस्टर राहुल गांधी कर दीजिए, सोनिया गांधी कर दीजिए, किसी का भी नाम रख सकते हैं। ओके, जैसे मिस्टर लालू माइट नॉट बी अरेस्टेड, लालू की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मिस्टर मोदी माइट नॉट बी अरेस्टेड, मोदी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मिस्टर योगी माइट नॉट बी अरेस्टेड, योगी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मिस्टर ओवैसी माइट नॉट बी अरेस्टेड, ओवैसी की जो है गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मिस्टर केजरीवाल माइट नॉट बी अरेस्टेड, मिस्टर राहुल गांधी माइट नॉट बी अरेस्टेड, राहुल गांधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हो सकता है कि अगर आप जनरल बात करना चाहते हैं कि योर फादर माइट नॉट बी अरेस्टेड, आपके पापा की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आई माइट नॉट बी अरेस्टेड, मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। समय से चाय नहीं बन सका, समय से नाश्ता नहीं बन सका, समय से सिलेबस पूरा नहीं हो सका। हो सकता है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या जनरल क्लासेस चल रहा हो, तो आप कहते हैं ना कि समय से सिलेबस नहीं पूरा हो सका, तो क्या कहेंगे? कहेंगे ना सिलेबस माइट नॉट बी कंप्लीटेड टाइमली। ओके, एक सेंटेंस और लिख लीजिए बाबू। जैसे कहा जाए, आपको एकदम सिंपली बोलना हो कि उसकी हत्या नहीं हो सकी, पत्थरों की पूजा नहीं हो सकी, पेड़ पौधों की पूजा नहीं हो सकी। आपको खुद से सेंटेंस बनाना है बाबू, पत्थरों की पूजा नहीं हो सकी, तो कहेंगे ना बाबू कि स्टोन्स माइट नॉट बी वर्शिप्ड। इसी का मतलब होता है कि पत्थरों की पूजा नहीं हो सकी। अब पेड़ पौधों की पूजा नहीं हो सकी तो यहां ट्रीज कर दीजिए, ट्रीज माइट नॉट बी वर्शिप्ड। औरतों की सम्मान नहीं हो सकी तो लेडीज, क्या कहेंगे बाबू? लेडीज माइट नॉट बी रेस्पेक्टेड, मतलब औरतों की सम्मान नहीं हो सकी। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स इज हैविंग द राइट कोच। गेट द बेस्ट एजुकेशन विद इंग्लिश प्लस बाय संजीव सिवानी एंड मेक योर स्पोकन इंग्लिश ड्रीम्स कम ट्रू। डाउनलोड द ऐप नाउ।